फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, हम पूरी गियर बनाने वाला है। जो आज का जो गियर वाला वीडियो है, वो दो तरीके से यूज कर सकते हो। कभी भी आप गियर मोल बनाते हो, तो वो इस तरीके से आपकी गियर का कैलकुलेशन करने पड़ेगा। तो इस कैलकुलेशन में आपको मैं सभी बताऊंगा, कैसे एडमडम निकालते हैं, डीडमडम कैसे निकालते हैं, क्लियरेंस कैसे निकालते हैं, पीसीडी कैसे निकालती है, मॉड्यूल कैसे निकालता है, वो हर एक चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा फोटो की टू और इसकी फॉर्मूला कैलकुलेशन से। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, एक्सप्रेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, उस तरीके से मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ और एक कंप्लीट जो है गियर में बना रखा हूँ। तो वो वाला चीजें आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। बेसिकली यहाँ पे देखोगे आप, एक मैं जो है गियर मोल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे डिटेलिंग कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गियर बना रहा हूँ, इस गियर जो बना रहा हूँ इसकी मैं कैसे टॉर्क निकालूंगा, इसके आरपीएम कैसे डिसाइड करूंगा, तो एक टीथ के साथ दूसरा वाला टीथ कैसे मैटिंग कराऊंगा, किस तरीके से आपको गियर बनाना है, तो सभी तरीका जो है आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हो सारा डिटेलिंग है। बेसिकली ये गियर मोल्ड है ना, तो यहाँ पे आप देख पाओगे। तो इसको हम जो है सही तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेरा गियर है तो उसको गियर का हम कैलकुलेशन करेंगे, किस तरीके से नंबर ऑफ टीथ क्या होगा, इसकी मॉड्यूल क्या होगा, कौन सा वाला मैं प्रेशर एंगल यहाँ पे यूज करूंगा, एडमडम क्या लूंगा मैं, डीडमडम क्या लूंगा। तो हर एक चीजें यहाँ पे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा कैसे आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको मैनुअली बनाना है या सॉफ्टवेयर में बनाना है तो आप बना सकते हो, सारा फॉर्मूला वगैरह मैं दे दूंगा। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो, आपको ये समझना है सबसे पहले एडमडम क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, पीसीडी क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होता है। ठीक है, जो मेरा गियर मोल का क्लासेस होती है, जो मेरा प्लेट लेक्चर होता है, वहाँ पे मैं 5 क्लासेस लेता हूँ गियर मोल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एक क्लास में वो सारा चीजें खत्म नहीं हो पाते। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जैसे मेरा यहाँ पे टीट है, ठीक है, ये मेरा टॉप लैंड होता है, ये मेरा बॉटम लैंड होता है, जहाँ पे टीट स्टार्ट होता है टॉप लैंड से, बॉटम लैंड में खत्म होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो सर्कल होता है ऊपर वाला, उसको बोलते हैं हम एडमडम सर्कल। ठीक है, ये वाला सर्कल जो होता है इसको बोलते हैं हम एडमडम सर्कल। अब जो सबसे नीचे वाला सर्कल होता है ना, इसको बोलते हैं हम डमडम सर्कल। डिडमडम सर्कल के साथ जो एक क्लियरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस। ठीक है, क्लियरेंस में आपका रेडियस आता है, रेडियस जो होता है ये आपका प्रेशर एंगल के साथ डिपेंड करता है। अगर मेरा यहाँ पे इन्वोल्यूट गियर बना रहा हूँ और इसमें मैं 20 डिग्री का जो है प्रेशर एंगल यूज कर रहा हूँ, तो उस केस में 0.4 मतलब 40% इंटू मॉड्यूल करना पड़ेगा, जो आपका रेडियस बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। या जो आप देख पा रहे हो, ये आपका पीसीडी है, पिच सर्कल डायमीटर है। पिच सर्कल डायमीटर को निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला से यूज कर सकते हो, एम इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई कैपिटल टी। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको डायमीटर निकाल सकते हो, मॉड्यूल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टीथ निकाल सकते हो, अगर दो वैल्यूज है आपके पास। उसके बाद आपको एडमडम होगा, डीडमडम होगा और आपको पीसीडी होगा, ये सारा चीजें आपको याद रखना होता है। ठीक है, ये ड्रॉइंग जो है आप सही से उसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियरनेस भी निकालना होता है। ठीक है, तो ये ड्रॉइंग जो हमने समझ लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरा जो टीथ है, जिसको मैंने बनाया है, किस तरीके से बनाया है, सबसे पहले जो है देखो, अगर मैं ये वाला टीथ इसको बड़ा करता ना, तो इसमें आरपीएम सही से बन नहीं पाता। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये वाला टीथ इसलिए बड़ा किया, यहाँ पे मेरा सही से टॉर्क बन पाए। ठीक है, तो ये टॉर्क और जो आरपीएम का जो फंडा है ना, वो आपका जो होता है ना, एक ज्यादा होता है तो दूसरा कम हो जाता है। तो इस तरीके से आपको गियर का टीथ आपको निकालना होता है। ठीक है, वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होंगे तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कुछ चीजें पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जिसको भी पेड क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, एडवांस लेक्चर वगैरह चाहिए, तो मेरा नंबर मुझे मेंशन है, वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्लासेस वगैरह ले सकते हैं। तो अभी देखो, आपको ये समझना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको एक तरीके से बता दिया क्या क्या चीजें सही है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, कंट्रोल ई दबाएंगे। कंट्रोल ई दबाने से आपका क्या आएगा, एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल ई दबा के मैं लूंगा इसकी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन से हम क्या डालेंगे, एक्सप्रेशन से जो भी हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यूज है हम उसको पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो मेरा क्या डालना है, सबसे पहले मेरे को डालना है मेरा मॉड्यूल। ठीक है, हर एक गियर का मॉड्यूल होता है, गियर का जो मॉड्यूल है यहाँ पे मैं क्या लूंगा, जैसे मैंने आपको जो पिक्स है जो मैंने ऑलरेडी ऑटोकैड में काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपको दिखाया, तो मेरा मॉड्यूल जो बन के आ रहा है 1.5 का बन के आ रहा है। तो ये जो मॉड्यूल होता है ना, मॉड्यूल का जो आई एस स्टैंडर्ड है, जो रिकमेंडेड सीरीज होती है मॉड्यूल का, ये याद रख लेना, कभी भी इंटरव्यू वगैरह में पूछते रहते हैं। तो एक होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं मॉड्यूल, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आते, फिर 8 आता है, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, ये होता है मॉड्यूल का आईएस स्टैंडर्ड, जो रिकमेंडेड स्टैंडर्ड होता है मॉड्यूल के लिए, ये होता है। तो यहाँ पे हम जो है 1.5 का यूज करूंगा, 1.5 का यूज करूंगा तो अराउंड मेरा जो पीसीबी पिच सर्कल डायमीटर बन के आएगा वो 36 का मेरे को सही है। ठीक है, और मैं 24 जो टीट का यूज करने वाला हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा मैं कैसे बना रहा हूँ। तो इसको मैं 1.5 करके एंटर कर दूंगा। उसके बाद जो है मेरा नंबर ऑफ टीट आता है, नंबर ऑफ टीट आपको लेना होता है, नंबर ऑफ टीट की जगह नंबर ऑफ टूट,
ठीक है, नंबर ऑफ टूथ है मतलब टीथ जो है, तो ये मेरा 24 का है, ठीक है 24 का मैं नंबर ऑफ टीथ ले लिया। उसके बाद मेरे को आता है प्रेशर एंगल, ठीक है। तो जो मेरा प्रेशर एंगल है, देखो जो मेरा प्रेशर एंगल है, एक आपको बता देता हूँ मैं, प्रेशर एंगल जो अपना इंडियन जो सीरीज होता है ना, उसमें दो यूज होता है, एक होता है 14.5, नेक्स्ट होता है 20, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो प्रेशर एंगल है हम 20 का यूज करेंगे। क्यों 20 का यूज करेंगे? तो मैक्सिमम केस में 20 प्रेशर एंगल यूज होता है, ठीक है 20 डिग्री का यूज करेंगे। उसके बाद मेरा आता है पीसीडी, पीसीडी मतलब पिच सर्कल डायमीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। पहला जो मैंने फोटो दिखाया है, फोटो में आपको क्लियर होंगे होंगे पीसीडी क्या है, एडमडम क्या है, डिडमडम क्या है ना। तो आपको वो फोटो जो है दिमाग में रख के या स्क्रीनशॉट ले कि उसके साथ चीजों को समझोगे ना, बहुत इजीली समझ पाओगे। तो पिच सर्कल डायमीटर का फॉर्मूला होता है, पिच सर्कल डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूल। तो यहाँ पे डालूंगा मैं मॉड्यूल, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, इसको मैं एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पिच सर्कल डायमीटर कितना क्या आएगा, 36 के अराउंड आ गया। तो मॉड्यूल का फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास पिच सर्कल डायमीटर दे रखा है, मॉड्यूल नहीं दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला होता है। मॉड्यूल क्या होता है, एम इजुकल टू कैपिटल डी बाई कैपिटल टी, डी क्या हो गया डायमीटर ऑफ द टीथ, ठीक है, और आपका जो टी हो गया टूथ, इतना नंबर ऑफ टीथ है। अगर एम इजुकल डी बाई टी कर दोगे तो आपका मॉड्यूल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम 1.5 का मॉड्यूल ले रहे हैं, ठीक है। मेरे पास मॉड्यूल है, पीसीडी नहीं था, तो मैं फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला मुझे कैसे मिला, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो मैंने फॉर्मूला लगाया पिच सर्कल डायमीटर मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। उसके बाद जो मुझे आता है एडमडम सर्कल, एडमडम सर्कल का एडमडम सर्कल नहीं लिखूंगा यहाँ पे, एडमडम लिख लो, लंबा नहीं करूंगा, ठीक है। तो एडमडम है, जो एडमडम है मेरा, उसका भी आपका फॉर्मूला आता है। उसका फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ टीथ प्लस प्लस टू, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ प्लस टू इंटू नंबर, जो नंबर ऑफ टीथ है उसमें प्लस टू करेंगे, इससे हम मॉड्यूल से, इसको हम मॉड्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एंटर कर दूंगा तो मेरे कितने बन के आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरे कितने बन के आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ प्लस टू इंटू मॉड्यूल, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टीथ 24 है, यहाँ पे इसको जो है मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, मैं दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है। एडमडम मेरा कितना का हो गया, और अब टीट यहाँ पे मुझे पैकेज जो है मैंने क्लोज नहीं करा, तो इसीलिए जो है प्लस टू इंटू, ठीक है, कितने का आ गया, 52 का बन के आ गया मेरा, क्लियर है। कितना आ गया, एडमडम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद रख लेना। कभी भी आपको मैनुअली करना होगा तो मैनुअली सारा चीजें निकल सकते हो। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा एक्सप्रेशन से, आपको देखने में भी ईजी होगा, समझने में ईजी होगा, ठीक है। मेरा एडमडम का फॉर्मूला क्या है, एडमडम सर्कल का नंबर ऑफ टीथ प्लस टू इंटू मॉड्यूल, और यहाँ पे मॉड्यूल जो है मेरा टू नहीं है, यहाँ पे मॉड्यूल जो है मेरा 1.5 है, ठीक है 39 का बनेगा, क्योंकि मैंने मॉड्यूल जो है यहाँ पे 1.5 ले रखा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है एंगल का, ठीक है, एंगल जो है मैं 20 डिग्री का प्रेशर एंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। अब मेरा आता है डिडमडम का, मेरा यहाँ पे डिडमडम क्या है, डिडमडम एक्चुअली डिडमडम नहीं है, डिडमडम सर्कल है, फॉर्मूला होंगे इसमें मॉड्यूल इंटू टू, ये मेरा हो गया डिडमडम। डिडमडम मेरा कितने का बन के आ रहा है देखोगे आप, ठीक है 3। अब एक्चुअली डिडमडम 3 तो बनेगा नहीं, इसका सर रिलेशन दूंगा मैं, ये रिलेशन दूंगा मैं किस सर्कल के साथ, किस सर्कल के साथ दूंगा मैं, एडमडम के साथ मैं रिलेशन दूंगा, अब ये पता लग जाएगा इसका डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद मेरा एडमडम बन गया। अब मेरा क्या आता है, इंटरनल डेप्थ आता है, जो इंटरनल डेप्थ मतलब जो मेरा क्लियरेंस आता है, क्लियरेंस, ठीक है। अब जो क्लियरेंस आता है मेरा, इसके साथ मैं क्या करूंगा, क्लियरेंस जो है मेरा मॉड्यूल के साथ जो मेरा डिडमडम है उसके साथ मैं ऐड कर दूंगा। डिडमडम मेरा 3 है, तो यहाँ पे मैं 3.5 का मैं जो है 0.5 का मैं क्लियरनेस रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है एक रिलेशनशिप फॉर्मूला, जो हम रिलेशनशिप फॉर्मूला हम किसके साथ डालते हैं, जो डिडमडम सर्कल है उसके साथ हम ये रिलेशनशिप फॉर्मूला डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया प्रेशर एंगल के बारे में, बता दिया मैंने 14.5 होता है और 20 का होता है, हम 20 के लेके यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखो एक चीज और बता देता हूँ, इसको अप्लाई कर देता हूँ मैं और यहाँ पे ओके कर, देखो जो भी मैं यहाँ पे गियर बना रहा हूँ, बेसिकली जो गियर मोल्ड होता है इसमें स्पार गियर यूज करते हैं। स्पार गियर जो होता है इसकी टीथ दो टाइप का होता है, ठीक है। अभी जो हम बना रहे हैं, हम इन्वोल्यूट बना रहे हैं, दो टाइप का आता है, एक होता है इन्वोल्यूट, नेक्स्ट क्या होता है
साइक्लोडेल आता है। तो पहले हम एक सर्कल लेंगे, सर्कल में हम डाल देंगे पीसीडी, मतलब पेज सर्कल डायमीटर मैंने बना लिया। तो ऑलरेडी मैंने वहां पे वैल्यूज पुट करा था, जैसे आप कंट्रोल ई में जाके आप देखोगे तो मेरा पीसीडी है यहाँ पे, आप कौन सी है पीसीडी है तो कितना है 36 का है, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मुझे बनाना है एडमडम सर्कल, ठीक है, एडमडम सर्कल का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एडम डम, ठीक है, एंटर कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो उसके बाद इसको मैं यहाँ से लेके एक्सट्रूड कर दूंगा आउटर वाला पॉइंट लेके, ठीक है, आउटर वाला पॉइंट लेने के बाद मैं इसको जो है अराउंड 15 mm का मैं एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे 15 mm का एक्सट्रूड कर दिया, तो मैं स्केच से एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पीसीडी मिल गया, एडमडम सर्कल मिल गया, ठीक है, ये मेरा पीसीडी है और ऊपर वाला जो है मेरा एडमडम सर्कल है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ चीजें है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। उसके बाद जो है मुझे क्या करना है, उसके बाद मैं यहाँ पे दो स्केच ले रहा हूँ, ठीक है, स्केच ले लिया। उसके बाद मैं दो सर्कल बना दे रहा हूँ, एक सर्कल जो होगा मेरा डिडमडम होगा, दूसरा वाला होगा क्लियरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं इस जो मेरा ये है इससे इसकी जो मेरा ये पॉइंट है इसको मैं एक रिलेशन दूंगा। पहले हम सारा सर्कल को कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं, उसके बाद जो है हम कैलकुलेशन में बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा कंस्ट्रक्शन है ये मेरा डिडमडम सर्कल बना हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली जाके यहाँ पे डिडमडम दे दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो जैसे डिडमडम करूंगा मैं यहाँ पे मेरा एडमडम के साथ, जैसे मेरा तीन का रिलेशन था डिडमडम, वो मेरा डिडमडम बन जाएगा। जैसे कंट्रोल ई में जाके आप देख सकते हो डिडमडम जो है आपको क्या है, तीन का है। तो मतलब जो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला पुट कर रखा हो यहाँ पे डालने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्रेशन से बना रहा हूँ। अब दूसरा चीज जो आते हैं मैं क्लियरेंस रखूंगा, क्लियरेंस में कितने का रखा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जैसे मेरा वैल्यू आएंगे तो मैं यहाँ पे क्लियरेंस का डाल दूंगा, तो क्लियरेंस ही आ गया, ठीक है, ओके कर दूंगा, तो मेरा एक क्लियरेंस आ गया। तो यहाँ पे मेरा पहला वाला कौन सी हो गया, एडमडम सर्कल हो गया, ये पीसीडी हो गया, ये मेरा क्लियरेंस वाला हो गया और मेरा डिडमडम हो गया। तो सारा चीजें मेरे को यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल गया, जो क्लियरेंस था क्लियरेंस भी मेरे को मिल गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से लेके एक कर्व बनाऊंगा, ठीक है, एक कर्व बनाए, फिर इधर से लेके मैं एक कर्व बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक काम और करना है आपको, यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके ये वाला जो है इनफर्ट को हटा के सिंगल कर्व कर लो, ठीक है, इसको भी एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में, एक टीट के बीच में दूसरा टीट का क्या रिलेशन होता है, उसको रिलेशन होता है ना एक टीट और दूसरा टीट के बीच में। तो यहाँ पे ये वो रिलेशन जो है एंगल निकालना है मुझे, इसकी एंगल और आपका इसका एंगल। यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट नहीं करना है आपको, अगर पॉइंट सिलेक्ट करोगे ना तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे जो है हम इसके जगह में हम जो है डायमेंशन जो है एक ये वाला डायमेंशन आपका, एक ये वाला डायमेंशन, ठीक है, इसके बीच में जो होगा जो एंगल होगा ना, कैसे डिसाइड करोगे, एंगल डिसाइड करना है आपको 360, नंबर ऑफ टीथ कितना है 24, आपको ऐसे डिसाइड करना है, ठीक है। और इसका जो रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं दे रखा, इसको हम वर्टिकल कर देंगे, ठीक है। तो वर्टिकल करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, इसकी सेंट्रल लाइन निकालना है, सेंट्रल लाइन निकालने के लिए हम यहाँ डिराइव कर्व बनाएंगे। डिराइव कर्व कौन सी है, ये वाला, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एक डिराइव कर्व बना देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, ये ट्रिम कर दूंगा, ये ट्रिम कर दूंगा, ये ट्रिम कर दूंगा, और जो तीनों लाइन है इसको मैं एज ए सेंट्रल लाइन में कन्वर्ट कर लूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, लास्ट तक देखना, इस तरीके से बना रहा हो कोई भी आपको नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कोई चीज का डाउट है, नहीं है, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे एक मैं जो है कर्व बना रहा हूँ, 11 का मैं तीर बना रहा हूँ, ये सारा चीजें ऑन कर लेना, ये सारा चीजें ऑन नहीं करोगे फिर आपको बनाने में दिक्कत आएगी, ठीक है। एक मैं यहाँ पे तीर का शेप दे रहा हूँ, अब इसके तीर के शेप के साथ मैं यहाँ पे प्रेशर एंगल वगैरह डाल के मुझे इसके कॉन्स्टेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको थी डाल के रिलेशनशिप ला रहा हूँ, रिलेशनशिप में ला के इसके बनने के बाद यहाँ पे जाके इसको मैं टेंजेंट कर दूँ, ठीक है, ये मेरा टेंजेंट बन गया। अब मेरा काम ये है, इसका नहीं है, तो इसको मैं करूँगा सेंट्रल लाइन, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं जाऊँगा, जाने के बाद इसको जो है मैं यहाँ पे मिरर मार दूंगा, क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे मिरर तो मार दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको मैं थोड़ा सा पास ले आऊँ, लेकिन पास लाने से ये गड़बड़ी होता है, इसको हम ऐसे नहीं लेंगे, बाद में लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा आर्टिकल है यहाँ पे, इसके जो आर्टिकल है इसको मैं थोड़ा सा अगर इस तरफ ले आओ और इसको मैं हल्का सा, अगर हल्का सा देख लेना किधर की लाइन आने से आपको मिल जाएगा, ये जो है ठीक है, कोई नहीं,
ऐसे नहीं मान रहा है तो वैसे मनवाएंगे इसको, इसको सिलेक्ट करके हम इसको ले आएंगे। सेंटर टू सेंटर आपका होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। इस लाइन को जो है हम सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये लाइन से लेके यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करके एक लाइन लेना है, ये भी आपका सेंटर लाइन हो जाएंगे, ठीक है। सेंटर लाइन हो गया, अब इसके साथ जो है कॉन्स्टेंट लगाएंगे, सी दबा के कॉन्स्टेंट आएगा, तो मैं क्या करूंगा इक्वल लाइन, इस लाइन को इस लाइन की इक्वल करना है मुझे, ठीक है। दोनों लाइन को मैंने इक्वल कर दिया, अब क्या करना है कॉन्स्टेंट डालना है सी, सी डालने के बाद परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर डाल के तो ये बड़ा लाइन है, इसको पहले हम क्या डालेंगे, इसको कर देंगे फिक्स, ठीक है। उसके फिक्स करने के बाद इस लाइन को सेंटर लाइन को, दोनों का जो हमने सेंटर लाइन लगाया उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे जाके मैं इस लाइन को जो है एक कांस्टेंट दे दूंगा मैं, ठीक है। तो कांस्टेंट देने के बाद ये ऑलरेडी कांस्टेंट है तो यहाँ पे ये आपका ले नहीं रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा इसके साथ इसको कांस्टेंट देना पड़ेगा। आपका जो है कंट्रोल जेड, इसको हल्का सा जो है यहां से हल्का सा जो है आप मूव कर, ठीक है। मैं यहां पे मूव इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके साथ देना होगा तो ये बाहर नहीं होना चाहिए ना, तो फिर वो चीजें बनेगा नहीं, इसको आपको कंट्रोल करना है इसके साथ। अब देखो आपका ये एंगल जो है बन गया है ना, क्योंकि ये बाहर था तो इसको आपको अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? अभी तीर का शेप आ गया, लेकिन अभी भी मैंने यहाँ पर प्रेशर एंगल नहीं डाला, तो आपको प्रेशर एंगल डालना है, ठीक है। तो प्रेशर एंगल डालने के लिए हम एक कर्व लेंगे, इसको हम इसको साथ टेंजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेंजन करने के लिए क्या करेंगे, हम टेंजन में जाएंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ये जो लाइन है इसके साथ हम सिलेक्ट करेंगे तो एक टेंजन सी बन जाएगा, लेकिन ये लाइन मेरा काम का नहीं है, बस एंगल डालने के लिए काम का है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगेन मैं जाऊंगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट में जाऊंगा, कॉन्स्टेंट में जाके मैं क्या करूंगा पॉइंट ऑन कार्व। तो मेरा पहले कार्व कौन सा है, पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट में लाना है, इस पॉइंट में लाने के लिए मैं एस को ऐसे डाल दूंगा। अब मेरा यहाँ पे तो डाल तो दिए, लेकिन मेरा अभी भी एंगल जो है डिफाइन नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपका एंगल जो है डिफाइन करूँ, कितना डिग्री का एंगल था, 20 डिग्री का प्रेशर एंगल था, तो यहाँ पे हम जो है प्रेशर एंगल डाल देंगे, प्रेशर एंगल करके एंटर कर दोगे तो ये आपका 20 डिग्री का, सॉरी एंटर हो गया, तो इसको हम जो है 20 डिग्री का डाल देंगे प्रेशर। यहां तक किसी को कोई डाउट? बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया सारा, कैसे कांस्टेंट डालना है, किसी तरीके से लेना है, सारा तरीके से मैं समझा लिया हूं। अब यहाँ पे बात जो है ये जो फालतू का सीज है आपको हटा देना है, ठीक है, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, हटा दिया। उसके बाद देखो आपको करना क्या है, उसके बाद आपको सिंपली एक्सट्रूड करना है ये वाला स्केच, ये वाला स्केच में ये जो है हमने करना रह गया है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रीजन बाउंड्री यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला रीजन बाउंड्री यूज करके आप कर देना, वो ट्रिम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूड कार्ड हो गया। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, रेडियस सही, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 20 डिग्री जो होती है, 20 डिग्री में रेडियस जो डालना होता है, क्या होता है 0.40%, 40% इंटू मॉड्यूल, मॉड्यूल मेरा कितना है 0.4 है ना, इंटू 1.4, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला अगर 20 डिग्री प्रेशर एंगल में बना रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे रेडियस डाल दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चैम्फर डालूंगा, चैम्फर क्या होता है मेरा, यहाँ पे मैं एक पर साइड का मैं 1 mm का चैम्फर डाल लूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं पैटर्न डालूंगा, जो मेरा फिशर्स है, एक तो मेरा फिशर्स में मैं ये सिलेक्ट करूंगा, तो मैंने ये सिलेक्ट करना है मैनू, ठीक है। उसके बाद जो है ये सिलेक्ट करके और इसका जो सेंट्रल लाइन है ये आपको सिलेक्ट करना है, कितना टीट है, नंबर ऑफ टीट 24, तो 24 टीट आपको लेना है। लेने के बाद आपका जो गियर है वो आपका रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आपको गियर बनाना है, और इस तरीके से मैंने आपको सिखा दिया स्टैंडर्ड तरीके से कैसे गियर बनाना है, ठीक है। टीथ कितना है आपको, मॉड्यूल चाहिए, प्रेशर एंगल चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, सारा आपको यहाँ पे मिल गया है। अगर एक चीज है दूसरा नहीं है तो फॉर्मूला भी दे रखा हो, तो फॉर्मूला से आप निकल सकते हो, ठीक है, कैसे बनानी है। तो ये तरीका बेस्ट तरीका है। अब यहाँ पे आप गियर में की यूज करोगे या वोल्ट यूज, वो आपकी साफ यूज करोगे वो आपके ऊपर है, ठीक है, साफ में की कैसे डालोगे वो आपके ऊपर है, सेकेंडरी ऑप्शन है, ठीक
लेकिन आपका जो फॉर्मूला है गियर बनाने का, ये पूरा फॉर्मूला है, इस तरीके से बनाओगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना किस तरीके से गियर बनाना है। बहुत लोगों की मैसेज आ रहा था सर गियर के ऊपर बना दो, गियर कैसे बनाते हैं, क्या पीडीएफ है उसको भेज दो। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से गियर है, गियर के टीथ कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा वाला यूज करेंगे, साइक्लोडियल यूज करेंगे, हम इनवोल्यूट यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूल कैसे निकालते हो, एडेंडम कैसे निकालते हो, डिडेंडम कैसे निकालते हो, सारा तरीका मैंने इसमें गियर में बना दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो में मैंने कोशिश करा कैसे मॉड्यूल निकालते हैं, नंबर ऑफ टीथ कैसे डिसाइड करना चाहिए, प्रेशर एंगल क्या क्या होती है। ठीक है, अगर दो चीजें हैं तो तीसरा चीज कैसे निकालना है, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, उस फॉर्मूला से सारा चीजें निकलते हो। नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको गियर मोल बनाना हो गया, किसी से इसका रिलेशन देना हो गया, कोई गियर बनाना होता है, तो इस वीडियो के थ्रू आप सारा चीजें बना सकते हो। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, जिसको भी एनएक्स कैट चाहिए, जिसको भी कैट डिजाइन चाहिए, कैम चाहिए, प्रोग्रामिंग चाहिए, रिवर्स इंजीनियरिंग चाहिए, मोल डिजाइन चाहिए, डाई डिजाइन चाहिए, एनालिसिस चाहिए, तो सारा तरीके से क्लासेस मैं प्रोवाइड करता हूँ। इससे मेरा नंबर मेंशन है, अलग अलग तरीके ऑफर वगैरह चलते रहते हैं, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा जो क्लासेस बैचेस में चलती है, और हर तरीके से आउट ऑफ इंडिया का भी स्टूडेंट मिलेंगे आपको, इंडिया से भी मिलेंगे, बहुत मिक्सअप क्राउड रहेंगे, तो बहुत कुछ सही जगह आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग से होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।